खबर वैसे ही की है जहां एक व्यक्ति को लिफ्ट देना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि रात के समय प्रवास करते हुए अनजान व्यक्तियों को लिफ्ट देना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसी एक घटना राजौड़ी के रहने वाले ऑल्विन जेवियर रेड्रिक्स के साथ घटी। ऑल्विन अपनी गाड़ी से वसई की ओर जा रहा था, तभी निर्मट चर्च के पास एक व्यक्ति को लिफ्ट दे दी। गाड़ी भूई गांव डोंगरी तक पहुंची कि लिफ्ट मांगने वाले युवक का साथीदार आगे खड़ा मिला। उस व्यक्ति ने ऑल्विन के ऊपर चाकू से वार कर उनके गले से सोने की चेन, हाथ से अंगूठी खींच ली और पॉकेट से 10,000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। ऑल्विन फिलहाल वसई के बंगली हॉस्पिटल में भर्ती है। ऑल्विन के गले और हाथ पर चाकू के अनेक वार लुटेरे द्वारा किए गए। मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए वसई पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कल्याण राव करपे ने आरोपियों के खिलाफ जबरन चोरी का मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू किए जाने की बात कही है। पेश है वसई से मयंक रावत की रिपोर्ट। काल रात्री 11:30 सुमारास निर्मल नाका या ठिकाणी एका आरोपीने फिर्यादीला लिफ्ट मागितली मोटरसायकलवर बसण्यासाठी। फिर्यादी त्याला दत्त मंदिर जवळ घेऊन आला तर त्यांनी सांगितलं की मला या ठिकाणी उतरायचं आहे। त्याला उतरू देत असताना दुसरा आरोपी ऑलरेडी पुढे येऊन थांबला होता। त्यांनी लगेच दोघांनी त्याच्यावर हल्ला करून गळ्यातली चेन आणि अंगठे जबरीने चोरी करून वसई दिशेने पळून गेले। कुठे कुठे वार करण्यात आलेले सर आणि किती वार केले? एकूण 3 वार केलेले आहेत। डोक्यात आहे, मानेच्या खाली आहे आणि हातावरती वार केलेला आहे। सर जखमीची प्रकृती कशी आहे आणि त्याला कुठे उपचारासाठी दाखल केलं? जखमीला बंगली हॉस्पिटल या ठिकाणी दाखल आहे। त्याची प्रकृती चांगली आहे, पोलीस तपास करत आहेत। आपल्याकडे काय गुन्हे दाखल? आमच्याकडे कलम 394 आणि कलम 397 आयपीसी। सर आरोपीला पकडण्यासाठी काय पथक वगैरे नेमण्यात आली? आरोपीला पकडण्यासाठी 3 पथक तयार केलेले आहेत। गुन्हा दाखल झाल्यापासून सतत तपास सुरू आहे।